बात ढेर तो सब करते हैं बात ढेर तो सब करते हैं जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं छोटे कलाकारों को जल्दी लोग सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, बट एक बार देखिए तो सही बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है मैं भी आ, मतलब एज एन एक्ट्रेस मैं जब पहली बार एक्ट करने गई थी कैमरा मेरे सामने तो, तो मेरे पैर ऐसे 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 उड़ रहे थे वो छोटे सर से उठे हैं ये सच्चाई है मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कैरी मिनाटी के ऊपर ब्लेम कर रही हूँ बट ये रियलिटी है आप क्यों नहीं कैरी मिनाटी की खिंचाई करते हो आप उनकी भी करो मानना मेरा मानना ये है जब आप इतना गर्ट रखते हो तो आप आओ भी भी देखो 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 और ताओ भी देखो, एक तरफ मत देखो। ये आपका गाना हम देख रहे हैं अभी भी मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरा मैन सही होगी है थोड़ा सा इधर कर देंगे जिंदा लाश इसमें हम आपको रोते भी लगते हुए देख रहे हैं और यकीन मानिए कि मैं तो आपको करीब से जानता हूँ जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए क्या होगा वो तो वही जाने मैं आपको जानता हूँ मुझे पता है कि ये एक्टिंग है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसके पास बताने की आवश्यकता नहीं आप देख सकते हैं भोजपुरी की चर्चित बहुचर्चित अभिनेत्री वनु ग्रेट हैं हमारे साथ में इन्हें शीला भी कहते हैं आप सभी जानते हैं आइए जरा इनसे चर्चा करते हैं इनका एक गाना आया हुआ है इनका मीन्स जिसमें इन्होंने एक्ट किया है जिंदा लाश जिंदा लाश क्यों गाना आया कैसे आया क्या हुआ सब इनके बारे में बात करेंगे जानेंगे लेकिन उसके लिए आपको पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा वनु जी आपका आपके अपने चर्चा में स्वागत है सबसे पहले चर्चा के दर्शकों को मेरा प्रणाम कहिए सर सबसे पहला प्रश्न क्या आपने ये ठान लिया है कि ऑडियंस की आंख से बस आपको आंसू निकालना है रुलाना है रुलाना है बस क्यों इतना रुला रही हैं लोगों को ऐसे गाने ले आके ऐसा आ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को रुलाऊं लेकिन ये इंटेंशन जरूर है कि सब लोग मुझे ढेर सारा भर भर के प्यार दें ये मेरा इंटेंशन है जैसा कि आपका गाना हम देख रहे हैं अभी भी मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरा मैन सहयोगी हैं थोड़ा सा इधर कर देंगे जिंदा लाश इसमें हम आपको रोते भी लगते हुए देख रहे हैं और यकीन मानिए कि मैं तो आपको करीब से जानता हूँ जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए क्या होगा वो तो वही जाने मैं आपको जानता हूं मुझे पता है कि ये एक्टिंग है फिर भी मुझे फील हो रहा था कुछ देर पहले कि वनु जी क्यूँ रो रही है तो फिर ऑडियंस क्या कैसे मैं एक्टिंग कैसे कर लेती है? उस वक्त क्या फील करती हैं आपकी ऐसे आप रोने लगती हैं एज एन एक्ट्रेस जैसे कि कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष मेरा मानना यह है कि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है उसमें पूरा उतर जाओ अगर हंसना है तो हंसो रोना है तो रो और कभी भी मैं एक्ट करती हूँ तो जो फील है मैं कोशिश करती हूँ कि जितना बेस्ट मैं दे सकू हंसना है तो हंस के दिखाऊ रोना है तो रो के दिखाऊ फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन हंस रहा है मेरे ऊपर या मेरा कौन मजाक उड़ा रहा है आपने तो एक से बढ़ के एक गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में दिए हैं और सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया हुआ है जिंदा लाश को लेकर आप क्या कहेंगी इसमें आपके अपोजिट में विक्रम राठौर हैं जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी और इसमें डायरेक्शन मास्टर अटल का है और इसको साजन पांडे और राज ने आवाज दी है इस गाने को लेकर क्या कहेंगी ऑडियंस से कि ये गाना कैसा है इस गाने के लिए सबसे मेरा आग्रह है विनती है कि आप लोग चैनल पे जाके लाइव भोजपुरी ऑफिशियल पे जाके गाने को देखें सुने और जैसा कि हमेशा से कहा जाता है और होता आ रहा है कि छोटे कलाकारों को जल्दी लोग सुनते नहीं है देखते नहीं है बट एक बार देख के तो सही बड़े बड़े कलाकारों से अच्छा करते हैं अच्छा गाते हैं अच्छा लिरिक्स लिखते हैं राइटर मतलब मुझे इस गाने में सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है पूरे गाने में लिरिक्स हाँ सोनू पांडे जी ने बहुत प्यारा लिरिक्स लिखा है और जैसे कि इस गाने का लिरिक्स है खुश रहिए रे पगली ससुराल में जिंदा लाश बन के तो हरा प्यार में। खुश रहिए रे पगली ससुराल में तो बहुत खूबसूरत तो लाइन है ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है मेरा मानना ये है तो ऐसा नहीं है कि छोटे राइटर या बड़े राइटर आप एक बार देखिए सुनिए समझिए छोटे कलाकार भी बहुत अच्छा कर सकते हैं किस लेवल का गाना आप ये समझती हैं क्या ये हिट होने लायक गाना है ऑडियंस को एक बार देखना चाहिए 100% परसेंट हिट होने लायक है और मेरा मानना ये है कि एक बार थोड़ा सा आप दुलार तो देके देखिए आप थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए वो और अच्छा करके दिखाएंगे आपको जिंदा लाश जब आपके सामने गाना आया था तो मास्टर अटल जी को देख के आपने ये गाना करने के लिए किया था गाना आपने सुना था सच बताइए नहीं ऐसा नहीं है कि आ, किसी को देख के आ, या फिर सुन के मेरा मानना ये है कि एज एन आर्टिस्ट पहले ये था कि ठीक है हम कुछ भी करते थे कि स्टार्टिंग था जो भी मिलता था आ, करते थे अभी मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ धीरे 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 अपडेट की जाती है अब पहले मैं समझती हूँ चीज़ों को फिर चाहे वो लिरिक्स हो चाहे वो गाना हो या फिर एक्ट हो उसके बाद फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या करना है तो मुझे गाना सुनाया अटल सर ने और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर स्टोरी क्या है मुझे स्टोरी बताइए तो उन्होंने जो स्टोरी मुझे बताई मुझे बहुत अच्छी लगी उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना चाहिए जी मैम एक गाने से हटके थोड़ा सा क्वेश्चन अभी आपके को स्टार मनी मिराज जी हाँ। कमेंट्री करने गए थे आईपीएल में तो काफी लोगों ने उनकी सराहना भी की कि बहुत बढ़िया नाम रोशन किया ये किया वो किया लेकिन काफी लोगों ने ना उनकी टांग खिंचाई मजाक भी उड़ाया है और मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी एक शायरी के तौर पे जवाब देना चाहूंगी इसलिए नहीं कि मैं उनकी एक्ट्रेस हूँ इसलिए कि कहते हैं ना कि जो बात ढेर तो सब करते हैं बात ढेर तो सब करते हैं जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं तो किसने कुछ नहीं किया ऑब्वियसली वो कभी कमेंट्री में नहीं गए थे फर्स्ट टाइम जाके उसके बाद वहां पे बिना हिचकिचाई थोड़ा सा होता है देखिए स्टार्टिंग में कोई भी जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैं भी आ, मतलब एज एन एक्ट्रेस मैं जब पहली बार आ, एक्ट करने गई थी कैमरा मेरे सामने तो तो मेरे पैर ऐसे 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 हो रहे थे तो ये बहुत बड़ी बात है लाइव टीवी आ, मतलब टेलीकास्ट हो रहा है और वहां पे जाके कमेंट्री करना फर्स्ट टाइम ये बहुत बड़ी बात है तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था आपको और मनी मिराज को लेकर सोशल मीडिया बहुत सारी गॉसिप भी होती है जिसमें 98 एट परसेंट या नाइन्टी परसेंट से भी ज्यादा झूठ होता है <laughs> वो चीजें आप देखती हैं वो चीज आप पढ़ती हैं सोशल मीडिया पर जब लोग ऐसी बातें करते हैं या पोस्ट लिखते हैं तो। जी मैं देखती हूँ और पढ़ती भी हूँ और सुनती भी हूँ और मुझे मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि देखिये बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है कभी आपने किसी को रिप्लाई नहीं किया कभी कोई जवाब नहीं दिया नहीं कोई मतलब ही नहीं है समय आने पर सबको रिप्लाई मिल जाएगा काम से काम से या किसी भी तरीके से जिसको जो एक होता है ना हर चीज का सही समय सही वक्त होता है जो मनी मिराज के वीडियोस को लेके कॉमेडी को लेके जिसमें कुछ गाली गलोज कुछ अश्लील बातें बातें मीन्स क्या वो कुछ ऐसी लैंग्वेज जो असंवैधानिक लैंग्वेज है यूज करते हैं उसको लेके उनकी काफी टैंक खिंचाई लोग करते हैं इसको आप जायज मानती है मनी मिराज जी जैसे वीडियो बनाते हैं आप, आपको लगता है कि हाँ ये इंटरटेनमेंट करते हैं आपके हिसाब से सही है एंटरटेनमेंट के हिसाब से सौ मैं जायज मानती हूँ ठीक है हम नाजायज़ सब कहेंगे जब किसी पर्टिकुलर एक पक्ष का नाम लेकर या किसी फैमिली का नाम लेकर या किसी बंदे का नाम लेकर या किसी के मतलब माता पिता को इन्वॉल्व करके किसी की सिस्टर को इन्वॉल्व करके अगर आप कर रहे हो तो आप नाजायज़ हो आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो पब्लिक को हंसा रहे हो और मोस्टली आप देखते हैं कि अब दो सियार में गाँव में गाली गलौच होता है मस्ती मजाक होता है बस वही चीज़ें उनके वीडियो में होती जो नेचुरल है वो दिखाते हैं तो मेरा मानना यह है कि किसी किसी के ऊपर रखकर वो कोई अब्यूज नहीं करते हैं पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए हंसाने के लिए ये सब करते आपको हैं आपको क्या लगता है मैम कि कैरी मिनाटी जैसे भी लोग हैं जो कि ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं बट उनको टारगेट ना करके उनकी टांग खिंचाई ना करके मनी मिराज की टांग खिंचाई लोग क्यों कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं वो छोटे सर से उठे हैं ये सच्चाई है मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कैरी मिनाटी के ऊपर ब्लेम कर रही हूँ बट ये रियलिटी है आप क्यों नहीं कैरी मिनाटी की खिंचाई करते हो आप उनकी भी करो मानना मेरा मानना यह है जब आप इतना गट्स रखते हो तो आप आओ भी देखो और ताऊ भी देखो एक तरफ मत देखो तो मैम मनी मिराज जी के साथ में आपका कुछ नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है जो थोड़ा बहुत हिंट देना चाहें आप कैसा गाना या कब तक आएगा कुछ कोई प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही प्यारा सॉन्ग आने वाला है सैड सॉन्ग तो नहीं है <laughs> सैड सॉन्ग भी हो सकता है बट फिलहाल कुछ समय के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि सैड सॉन्ग से परे हटकर कुछ अलग दिखाएं सैड सॉन्ग तो हमारा एक ट्रेडिशन बन गया है वो तो रहेगा ही रहेगा बट कुछ देसी अंदाज में हो सकता है कि आए अभी आपका एक लास्ट गाना आया था वो भी सैड सॉन्ग था जिसमें आपको विलन दिखा दिया गया था

कलाकार एक कहावत है ये मेरा ही लिखा हुआ लाइन है कि कलाकार एक रूप अनेक तो आज मैं अगर उनकी प्रेमिका हूं तो कल मुझे धोखेबाज का भी किरदार करना पड़ सकता है आज मैं उनकी वाइफ का किरदार कर रही हूँ कल मुझे भाभी का भी किरदार करना पड़ सकता है बहुत सी इसको इग्नोर करती नहीं भाई इसमें मेरा करेक्टर थोड़ा सही नहीं है लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कैसे देखेंगे साथ में... बहन का भी करेक्टर किया हुआ है हैारी करके है एक वीडियो रस्टिक फन पे देखिएगा उस चैनल का सबसे नंबर वन वीडियो है आई थिंक ट्वेंटी मिलियन क्रॉस है तो ऐसा नहीं है कलाकार का मतलब ये होता है कि जिस रंग में आपको ढाला जाए आप उस रंग में ढल जाओ तो मुझे नहीं मुझे नहीं लगता कि इससे छवि खराब होनी चाहिए बाकी पब्लिक है <laughs> कुछ भी बोलती है जो, जो उनको दिखे दिखाया जाएगा वही वो देखेगी चलिए मैम ये बात तो आपकी सही है कि आप एक आर्टिस्ट आपको जैसा रोल आएगा आप करेंगी जाते जाते, जाते जिंदा लाश के बारे में ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगी क्या कहना चाहेंगी आप लोग जैसे मेरे सभी गानों को प्यार देते हैं वैसे ही जिंदा लाश को प्यार दीजिए और मुझे लग रहा है कि प्यार मिल भी रहा है एक दिन में नए चैनल के नए सिंगर के अकॉर्डिंग जैसा कहा जाता है कि न्यू सिंगर है ज़्यादा मार्केट में पहचान नहीं है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक दिन में 24 घंटे में 300 रील बनना बहुत बड़ी बात है तो 300 रील क्रॉस हो चुका है और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी खूब सारा प्यार दीजिए खूब सारा सपोर्ट कीजिए और आप लोगों के हौसलों से ही एक आ, मतलब हौसला मिलेगा सभी कलाकारों को जो जिनको लगता है कि छोटे लोगों को छोटे कलाकारों को सपोर्ट नहीं किया जाता है तो आप लोग चाहेंगे तो जीरो से बना दे हीरो आपकी दुआएं एक, एक लाइन है ना यहाँ तक लाई मुझे आपकी दुआएं जीरो से बना दे हीरो आपकी दुआएं चलिए मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी

प्रमोट करेंगे तो भोजपुरी प्रमोट होगा नहीं तो आपकी मर्जी मेरा जो काम था मैंने कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया मैम थैंक यू धन्यवाद